टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 10.3। क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग। इनको हमको ऐड करना है 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ और 50 पैसे। तो इसको एडिशन यहाँ पर करके सिर्फ आंसर आपका यहाँ पर नोट डाउन हो जाएगा। इनको आपको मैथ के रजिस्टर में नोट डाउन करना है कॉलम में। देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल में आपको क्लियरली यहाँ दिखा रही हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी विदाउट रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग एंड यहाँ पर ग्रुपिंग वाला आ जाएगा यहाँ पीछे। यहाँ पर ऐड कैसे करेंगे आप देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ, ऐड ₹16 एंड 16 रुपीज़ एंड 50 पैसे एंड 13 रुपीज़ 25 पैसे। इनको कॉलम में पहले आप ऐड करेंगे, ऐसे 16 50 लिखेंगे, 13 25। तो आप इसमें 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ 50 पैसे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 5 रुपीज़, यहाँ 00, यहाँ रुपीज़ और यहाँ पर रुपीज़ 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ 50 पैसा। वन डॉट लगाएंगे यहाँ पर, वन डॉट लगाएंगे, अब इसको ऐड करेंगे तो आंसर आपका कितना आएगा यहाँ पर 5 और 1 15, तो 15 रुपीज़ एंड 50 पैसा। तो आंसर कितना आ गया 15 रुपीज़ 50 पैसा। इसी तरीके से ये सेकंड नंबर भी करना है, 75 पैसे को ऐड करना है। ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, 2 रुपीज़ 75 पैसे और 50 पैसे। तो इनको 3 कॉलम में आप नोट डाउन करेंगे। देखिए 75 अलग लिखेंगे, 75 लिखने का तरीका है आप रुपीज़ लिखेंगे यहाँ पर 0, रुपए को कि कुछ है नहीं तो पॉइंट लगाएंगे और 75 पैसे लिखेंगे। उसके बाद 2 रुपीज़ और 75 पैसे, तो 2 रुपीज़ एंड 75 पैसे इनको भी ऐसे लिखेंगे। एंड थर्ड वाला 50 पैसे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली 50 पैसे। तो फिर आपको इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो 0 और 50, क्योंकि पैसे हैं सिर्फ 5 5 10 का 0, 1 कैरी आपका हो गया, 14 1 15 और 5 20 2 0, 2 कैरी हो गया आपका, कितना हो गया 4। तो कितना आंसर आया 4 रुपीज़। इस तरीके से आप जो पैसे दिए हुए हैं सिर्फ, तो उनको आपको आपको पहले 0 फिर पॉइंट लगाना है, फिर पैसे ऐसे रुपए में कन्वर्ट करना है। तो 100 से डिवीज़न करेंगे रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, या डॉट 75 लगा देंगे आप। अब ये वाला भी आप लोग कर लेंगे इसी तरीके से, 3 रुपीज़ 50 पैसे, 7 रुपीज़ 50 पैसे, 7 रुपीज़ 75 पैसे और 50 पैसे, इन सबको एडिशन करेंगे आप लोग एंड 50 पैसे, 75 पैसे एंड 17 रुपीज़ 50 पैसे। ये कॉमा लगा है, यानी कि 50 पैसे अलग लिखेंगे, 0.50 0.75 और उसके बाद 17 रुपीज़ 0.50 पैसे। इस तरीके से इसको ऐड करके कॉलम में नोट डाउन करेंगे क्लियरली। और जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ये आप एडिशन ही आज कंप्लीट करेंगे, 10.3 का एडिशन कंप्लीट करेंगे, सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट टर्म में आपको कंप्लीट कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।